आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी के खास कार्यक्रम प्राइम पब्लिक और सरकार में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। जैसा कि हम सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव अब नजदीक आते जा रहे हैं। जैसे जैसे तारीखें नजदीक आ रही है वैसे वैसे सभी सियासी दलों की जो अटकल है वो तेज होती दिखाई दे रही है। सभी दलों में इस वक्त हलचलें बेहद तेज हो चुकी है। जनता के बीच जाकर सभी राजनीतिक दल के नेता और सभी दिग्गज नेता पहुंचकर जनता के सामने अपना हाल बता रहे हैं और आगामी चुनाव में क्या कुछ उनकी रणनीति रहने वाली है इस पर भी चर्चा की जा रही है। ऐसे में जनता के बीच क्या कुछ मुद्दे हैं, क्या कुछ उनकी राय है, किस सरकार को वो इस वक्त वोट देने के मूड में दिखाई दे रहे हैं, क्या कुछ उनका मूड है, ये जानने के लिए इस वक्त प्राइम टीवी की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुकी है, जहां पर अलग अलग जिलों में जाकर हमारे संवाददाता वहां की जनता का हाल जान रहे हैं और यही जानने के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम में आपको लेकर चलते हैं हमारे इस खास एपिसोड में। चुनाव का पता करना हो तो सबसे बेहतर कौन बता पाएगा? सबसे बेहतर बता पाएंगे चाय की दुकान पे, पान की दुकान पे या फिर नाई की दुकान पे। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के चुनाव लगभग आपके करीब नज़दीक आ चुका है। पुरानी जो सरकार थी उसके साढ़े चार साल बीत चुके हैं और एक जुमला कहा जाता है कि गरीब के कटोर में पुलाव आ गया, लगता है चुनाव आ गया। अब इस बात को हम जानने आप पहुँचे हैं। मैं हूँ आलोक मिश्रा, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और प्राइम टीवी आप पहुँचिए इस समय गुड़सराय में। गुड़सराय के हम लोग कटरा बाजार के बीच में खड़े हुए हैं और हमारे संग तमाम प्रकार के लोग हैं, कुछ किसी पार्टी से हैं, कुछ किसी पार्टी से हैं। अब देखते हैं कि किसका क्या मत है। इन लोगों से बेहतर और कोई नहीं बता पाएगा कि किसकी सरकार या किसका विधायक जो क्षेत्रीय आधार पर किसके पैर जमने वाले हैं, किसकी सीट जमने वाली है। चलिए, हमारे संग यहाँ पे मौजूद हैं, क्या नाम है भाई साहब का? दीनदयाल। क्या नाम है? दीनदयाल। दीनदयाल जी, तो क्या स्थिति है आपके यहाँ चुनाव की? जी चुनाव की तो हम नहीं बता पाएंगे, क्या फायदा? चुनाव की नहीं पता? नहीं। अच्छा, तो ये तो पता होगा बीएसपी आ रही, बीजेपी आ रही। अबे कहा है मत है अब तो, जिसका मत बन जाए। आपको क्या लगता है कौन ज्यादा ताकतवर है? अरे नहीं, ताकतवर बीजेपी ऐसी कैसे कह रही है? अच्छा, बीजेपी है? Yes। क्यों है बीजेपी? बीजेपी इसलिए क्योंकि वो काम करा रही है। क्या काम करा रही है? बहुत कुछ। बहुत कुछ क्या? का ऐसा काम करा रही है कि स्टूडेंटों को भी शिक्षा मिल रही है और बेरोजगारों को भी काम मिल रहा है और वैकेंसी भी निकल रही है, ये सब है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि बीजेपी काम करा रही है, ऐसा कोई है जिसको लगता है बीजेपी काम नहीं करा रही है? करा रही है मतलब क्या? क्या नाम है तुम्हारा? महेंद्र। महेंद्र, कहाँ से आ रहे हो यार? कोचिंग कमरा से आ रहे हैं। अच्छा, लग लग लगाए हो? नहीं, कलश यात्रा थी आज। अच्छा, कलश यात्रा थी, तो क्या माहौल है तुम्हारे गुड़सराय में? बढ़िया है। तो किसका है, सपा का है कि किसका? नहीं, वो तो बीजेपी है। किसका है? बीएसपी वाले भाई। बीएसपी वाले हो? नहीं, बीजेपी वाले। अच्छा, बीजेपी वाले। अच्छा, बीएसपी वाले। तो क्या है स्थिति? स्थिति जी, दीदी। हाँ बिल्कुल, दीदी ही है। तो दीदी कितनी सपा वाले आ गए भाई? पूर्ण बहुमत। पूर्ण बहुमत से? बिल्कुल पूर्ण बहुमत। मतलब कितनी सीट है मान ले? 230 प्लस। तो और जो हमारे गरौटा विधानसभा की सीट है वो तो बीएसपी के ही खाते में जाएगी। ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि यहाँ कोई उम्मीदवार है ही नहीं। जो है हमारे यहाँ के विधायक हैं जवाहर राजपूत, आप किसी से भी पूछ लीजिए कि उनने इस गुड़सराय के लिए किया क्या है, कुछ भी कुछ नहीं किया। ये तो बात है, जवाहर राजपूत ने कुछ नहीं किया। तो अच्छा, यहाँ के जो वर्तमान विधायक है वो जवाहरलाल राजपूत है बीजेपी से, गरौटा विधानसभा से है। और जो हमारे बीएसपी के उम्मीदवार है वीर सिंह गुर्जर लकारा से है, अभी उनका टिकट क्लियर नहीं हुआ है पर 15 तारीख क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। अच्छा, जवाहरलाल राजपूत ने कुछ काम नहीं किया? यही बताया, हम कहा बताए? तो आप बोल रहे थे ना जवाहरलाल राजपूत ने काम नहीं किया। तो सपा, अच्छा सपा ने क्या किया? सपा ने बहुत कुछ किया। एयर डैम जब से चालू हुआ उतना ही काम है, उसके बाद कुछ काम नहीं हुआ। अभी बीजेपी सरकार आई, बीजेपी सरकार ने कुछ काम नहीं कराया जितना सपा सरकार ने। ये तो बोल रहे कि बीजेपी ने बहुत कुछ कराया। बीजेपी ने क्या करा गुड़सराय में? देख लो आप, कुछ करा हुई तो बीजेपी ने कुछ नहीं किया जब सपा थी, जब सब कुछ हुआ। ये तो कह रहे कुछ नहीं कराया बीजेपी ने। विरोधी पार्टी। अच्छा, विरोधी पार्टी है। अच्छा अच्छा, तो 51 सीटें आने हैं? हाँ, 351 प्लस सीट आएंगी। अच्छा, आपका क्या नाम है? हमारा गज्जू। क्या क्या है आपकी स्थिति? है बहुत ही खराब है, ना पानी है, ना कुछ है, ना कुछ है। बीजेपी सरकार से खुश नहीं हो आप? नहीं, हम तो सपा चाहे थे सपा। तो इधर अब किसकी सरकार आएगी? सपा की आना चाहिए।
सपा। लेकिन बीजेपी की तो बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं। उन्हें तो रैलियां क्या होता है, रैली थोड़ी वोट देगी, वोट देगी पब्लिक। तो आपको पसंद नहीं है? नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं है। सपा में क्या अच्छा लगता है? सपा में सब कुछ रहता है, जैसे कि सब कुछ, पानी की समस्या है, हर हर प्रकार के रोड, हर प्रकार की सड़कें, सपा का एक साल में रामनगर का पोल। बताइए सपा में मुलायम सिंह या अखिलेश? नहीं, वो मैटर अलग है। क्यों? अरे वो उनको मैटर है, वो नहीं पसंद ज्यादा कौन, जैसे आप तो उम्रदराज राज हैं, आप तो अच्छा, आपको अखिलेश, युवा पीढ़ी है, अखिलेश जी है। अखिलेश से पहले तो मुलायम जी थे, सरकार पूरी पार्टी उन्हीं ने बनाई। युवा पीढ़ी है तो युवा पीढ़ी के लिए मरती है। अच्छा युवा पीढ़ी वाले हो, उम्र ज्यादा हो गई कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम युवा पीढ़ी वाले हैं। तुम्हारा क्या नाम है? संजय नाम है। क्या है स्थिति? क्या है स्थिति? ये है कि बीजेपी सरकार जो है उसमें व्यापारी सब कुछ खुश है, व्यापारियों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूसरी चीज कोई गुंडागर्दी नहीं है, सबसे अच्छी चीज़। अच्छा बीजेपी में गुंडागर्दी नहीं है ये कह रहे हैं? क्योंकि क्या है, छोटे से छोटा व्यापारी आराम से कमा सकता है, ठीक है, किसी चीज की प्रॉब्लम नहीं है। सरकार किसी की भी हो, मतलब वो नहीं है कहने का कि गुंडागर्दी है, सरकार किसी की भी हो उसका कहना ये मतलब है कि सब लोग व्यापार आराम से कर सके। कोई भी वो छोटे से छोटे दुकानदार देखो, जैसे मैं छोटा दुकानदार हूँ, उसमें व्यापार बहुत आराम से चलता है, किसी कोई प्रकार की कोई गुंडागर्दी नहीं है, किसी प्रकार की कोई कुछ भी नहीं है। पहले क्या होता था, मैं भी पहले दुकान किया तो छोटे मोटे लोग आते थे उल्टे सीधे बोल के, लेकिन उसमें क्या है कि सपा सरकार है थोड़ी गुंडागर्दी वाली सरकार है। अच्छा आपको नहीं लगता अभी सपा के जो मुखिया हैं, अभी अखिलेश यादव बड़ी बड़ी रैलियां करके गए, अभी वोट में आए, कुछ नहीं होता, तो आपको नहीं लगता जो रोडों का इतना लंबा जाम रहा, भारी भरकम सपा प्रत्याशी रोडों पे आ गए, तो कोई फर्क पड़ेगा, आपको नहीं लगता? नहीं, आप सही कह रहे हैं, काम कहने को हमारा मतलब ये है कि सपा ने भी काम बहुत अच्छा किया, ये नहीं कहते सपा ने काम नहीं किया, सपा ने भी काम बहुत अच्छा काम अच्छा किया, आएगी या नहीं आएगी अब इसका नहीं बता सकते, क्योंकि अब सरकार आगे किसकी आ रही है कोई नहीं बता सकता, आगे चल के क्या होना ये भी नहीं बता सकते ना। नहीं तो कुछ तो आंकड़े लग रहे होंगे, जैसे आपकी बगल में गरोठा सीट है, गरोठा सीट पे किसकी उम्मीद ज्यादा लग रही है? देखो उम्मीदवार क्या है कि जवाहर जो राजपूत थे, जो अभी प्रेजेंट में जो विधायक जी हैं, उनका कहना ये है कि अब फिलहाल में उन्होंने इतना अच्छा काम नहीं किया है, जो सपा के नारायण सिंह यादव थे उनने भी काम अच्छा किया था, अब किसकी सरकार आएगी ये बता नहीं सकते, क्योंकि लोग किसको चुनना चाहते हैं, हमारे किसको पता नहीं। बगल में भैया एक थे बोल रहे कि जो राजपूत जी उन्होंने कुछ काम नहीं कराया। नहीं ये नहीं है, काम हर काम अच्छा कराया, काम उन्होंने कराया है, सब तो दोबारा आना चाहिए। नहीं दोबारा आनी चाहिए, बीजेपी आनी चाहिए या राजपूत? बीजेपी आनी चाहिए, राजपूत जी नहीं आना, राजपूत नहीं आना चाहिए, राजपूत नहीं आएगा। अच्छा राजपूत जी नहीं आना चाहिए, बीजेपी आए, भैया ये एक मिनट, ये बड़ी मांग है यहाँ पे गुड़सराय की गरोठा से जो है कि बीजेपी तो आए लेकिन राजपूत जी ना आए, ये हालांकि सबसे बड़ी बात है, युवाओं की मांग है, युवा हैं आसपास, ये कह रहे हैं कि बीजेपी आनी चाहिए लेकिन राजपूत जी नहीं आने चाहिए। अच्छा क्या नाम है भैया आपका? रोहित परयार। क्या है आपका मत, कौन आएगा? सपा। चलो सपा, समाजवादी पार्टी, पीछे तो पीछे से आवाज आ रही सपा सपा। हाँ तो सपा है, सपा सपा हो गई। नहीं नहीं, कौन कह रहा है सपा? नहीं देखो, तुम ये बताओ बीजेपी ने सपा 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 कह रहा है, सपा सपा आएगी, सपा है सपा क्या? दरअसल आप भी सुन रहे हैं, मैं भी सुन रहा हूँ, सपा सपा कह रहे हैं वो। तुम तो ये पूछो कि बीजेपी वालों ने काम क्या क्या किया। भैया बीजेपी वालों ने काम क्या कराया? भीड़ तो ओनली देखने के लिए जाती है नेताओं को, ओनली देखने के लिए बस, कि कौन नेता रैली की जी, ये भीड़ आई थी जी, ये केवल अखिलेश को देखने के लिए आई थी, जरूर नहीं को उनका वोट बैंक हो। लेकिन यार तो ये दीदी तो रैली नहीं कर रही, तो दीदी का रैली कर रहे हैं जो लोग हैं। हाँ दीदी, दीदी तो रैली नहीं कर रही यार, दीदी बैठ गई दीदी का, और तुम कह रहे हो दीदी 250 दीदी को हांडी का बड़ा पांच। उनसे पूछ रहा बात अभी। अच्छा आ जाओ, तुम बताओ क्या है भैया स्थिति, क्या है भैया, क्या नाम है चाचा? हरदयाल है। हरदयाल है, क्या स्थिति है? क्या है, करती खाते ठेरा लगाते, पुलिस वाले चालान काट के चले गए अभी हाल देख लो। अच्छा पुलिस वाले चालान काट गए अभी, वो चालान काट, बीजेपी से खुश नहीं है? तो बीजेपी से खुश नहीं है क्या? अब यही परेशान चल रहे हैं क्या है? परेशान चल रहा है पुलिस वाले, परेशान सरकार। तो आपको क्या लगता है कौन सी सरकार अच्छी है?
सरकार तो अच्छी है लेकिन इनको कानून को डालना चाहिए। मतलब आप कह रहे हो कि सरकार बहुत अच्छी है लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन जरूरी है, जो कानून जो है कि गरीबों को ना सताए, मजदूरी कर रहा है तो उसको पैसा मत करो, नहीं इतना तो होना चाहिए कम से कम। जी जी, और कोई खास समस्या? अच्छा, गरोठा से किसकी उम्मीद ज्यादा है? गरोठा से किसकी उम्मीद है? गरोठा जैसे तो अभी बता नहीं सकते साहब, हम क्यों झूठ बोल दे, कोई अपने अंदर की भावना कोई खोलता ही नहीं है ना, अपने अंदर की भावना कोई नहीं खोलता है। अरे आराम से, आराम से। अच्छा, ये नेताजी हैं? हाँ नेता। ये क्या नाम है नेताजी? हम भरत लाल नाम। अच्छा जी, किसकी उम्मीद है इस बार? उम्मीद के लाने तो ठीक है वाले भाजपा में बढ़िया है। नहीं तो आपको क्या लग रहा है किसकी उम्मीद आएगी? उम्मीद की अबे नहीं बता शायद को इतना को जो जैसे विधायक है विधायक तो सपा को बढ़िया है, सपा का कोई नहीं है तो विधायक अपने अपने ब्लॉक में सपा के मुकाबले जैसे दीप नारायण के मुकाबले कोई है ही नहीं है, कोई तोड़े ही नहीं है। दीप नारायण ने करवाया कुछ? दीपक दीपक दीप नारायण ने जो है वो बड़े स्तर से काम बहुत बढ़िया स्तर से रेवेन्यू बनी है अभी तक, घोषणा में पानी की व्यवस्था नहीं है अभी तक। लेकिन विधायक तो बीजेपी के हैं, टैंकर सही से पर्याप्त नहीं हुए हैं। विधायक है ना, लेकिन विधायक जी ने कछु नहीं करवा रहा हो सका था। ये बीजेपी से दिक्कत है या राजपूत से दिक्कत है? राजपूत से है भैया, राजपूत से का बीजेपी ने अभी तो कछु नहीं, ये तो कछु नहीं है। काम होते रहे जनता की, किसी को दिक्कत नहीं है। अब खाद के लाने लान में लगे, बेचा जाओ लान में लगे। खाद की समस्या तो हर कहीं है, खाद की समस्या तीन महीना अपने पैसा अपने खाते नहीं निकाल पा रहा पैसा। ठाड़े हो जाओ तो अब काम नहीं हो रहा है, मतलब तीन दाय तो वो आधा। पुरानी सरकारों में काम होते थे? पुरानी सरकार में होते हैं, ये देख नहीं होते हैं, होना पड़ता था पुरानी सरकार। क्या दिक्कत आती क्या है, मतलब मेन दिक्कत क्या है? मेन दिक्कत क्या है, कल्याण में लगे रहा तो मैं खाद लेने पैसा निकालने। अच्छा तुम कह रहे हो बीजेपी ने लाइन में लगा दिया? लाइन में लगे रहो नोटबंदी के बाद से, लाइन में लगे रहो हर लाइन, नई लाइन खत्म नहीं हो रही, लाइन लाइन बिना लाइन खाद में लाइन लगा लो कुछ नहीं। सपा ज्यादा पसंद है या दीप नारायण यादव ज्यादा पसंद है? सपा पसंद है, सबे पसंद है, सबे पसंद है, ऐसी बात नहीं है। सपा के काम भी नंबर एक काम है। अच्छा, और आपका क्या नाम है? हमारा सारव। सारव तुम किसको वोट दोगे? जी बोले अरे अरे तुम बोलो, तुम बोल रहे हम वोट रहे नहीं है, सब वोटर है। अरे तो तुमको क्या लगता है किसकी ज्यादा अच्छे काम है, बीजेपी के सपा के सच्चे काम है? अच्छे काम क्यों है, क्यों है? हर चार खान काम अच्छा होता है उनका, बीजेपी में मजा नहीं आता? नहीं, विधायक जी तुम्हारे यार बीजेपी के हैं, राजपूत जी तो बीजेपी के हैं। अभी तक उनने कुछ करवाया भी तो नहीं है भैया, यहाँ तो बड़ी स्थिति गंभीर है। करवाने तो दो, सपा है, कोई नहीं आएगी, सपा की सीट आएगी, सपा की जहाँ से जला से सपा की सीट आएगी। नहीं, सपा की सीट क्षेत्र में आएगी या फिर हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में आएगी? पूरे की गारंटी ले रहे हैं, पूरे की गारंटी नहीं है अपनी को। चलिए चलिए चलिए, यहाँ पर 10,000 वोट से आगे जाएंगे दीप नारायण। अच्छा, 10,000 वोट से आगे जाएंगे, चलिए दीप नारायण। अब चलिए देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर सपा आएगी या बीजेपी आएगी। कुछ लोगों का मत अलग है, कुछ लोगों को बीजेपी पसंद है लेकिन यहाँ के जो विधायक हैं वो पसंद नहीं है, कुछ लोग सपा के पूर्व वो हैं। चलिए आइए, थोड़े से हमारे संग वरिष्ठ लोग भी हैं, हम उनसे कह रहे हैं। देखिए ऐसा है कि सपा की सरकार बनना चाहिए, हालातों को देख के सारी चीज़ें लगता है कि सपा की सरकार बनना चाहिए। जी जी, हाँ तो बीजेपी से क्या समस्या है? समस्या कुछ नहीं है, समस्या तो सभी को पता है। समस्या देखिए ऐसा है, बीजेपी से कोई समस्या किसी को हो ना हो वो पार्टी स्तर की बात है, अपनी अपने अपने मत हैं, किसको कहाँ देना है कहाँ नहीं देना है। जो हमने आपको हाँ, सपा जो है उत्तर प्रदेश में आने वाली है या आपके इस क्षेत्र में आने वाली है? हमारे क्षेत्र में भी आएगी और हमारे प्रदेश में भी आएगी। क्या बात है, इतनी कॉन्फिडेंस के साथ? नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस के साथ। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि जहाँ विकास की बात है, जहाँ नहरों की बात है, जहाँ खाद की बात है, जहाँ सिलेंडर की बात है, गैस की बात है, आप सिलेंडर देख लिए पहले 450 रुपये का आता था, आज आप देख लिए कोई सब्सिडी नहीं है, 1,000 का मिल रहा है। ठीक है, कहीं कोई सिस्टम नहीं है, पेट्रोल के दाम बढ़ गए फिर घटा दिया 1-2 रुपये, कोई सिस्टम ही नहीं उसका। इसलिए जय समाजवाद। आप समाजवादी हैं, काम अच्छे? नहीं नहीं नहीं, हमें समाजवादी हो ना हो लेकिन अपन काम के ऊपर भरोसा रखते हैं। देखिए यहाँ लगभग जो है सभी पार्टी के लोग हैं, बीएसपी भी है, सपा भी है, बीजेपी भी है, सबका क्षेत्रीय गणित है कि किसका क्या आता है। भाई साहब ने बताया कि सपा 1,00,000% आने वाली है,
अब देखने वाली बात होगी कि चुनाव भी लगभग करीब हैं, चुनाव के नतीजे भी उसके बाद घोषित होंगे, उसके बाद सबके सामने होंगे कि क्या किसकी सरकार होगी। मौजूद हैं गरोठा में, अगर गरोठा को कहा जाए कि सोने की खान तो ये कहना गलत नहीं होगा। अगर आपने सुना होगा एक किसान ऐसा भी जिसने अपनी सफ़र बैलगाड़ी से शुरू किया, किसानों की आवाज़ उठाई, आज वो वर्तमान में यहाँ बीजेपी के विधायक हैं, जवाहर सिंह राजपूत। ऐसा ही अपने तमाम चीज़ों से, किदवंतियों से मशहूर ये गरोठा आज हम इन लोगों के बीच आ चुके हैं। कारण ये है कि चुनाव लगभग करीब है, वर्तमान सरकार के 4.5 साल समाप्त हो चुके हैं और अब आने वाली सरकार किसकी होगी ये बताएंगे हमारे और आपस आपके बीच के लोग, सपा वाले, बीएसपी वाले, कांग्रेस वाले और बीजेपी वाले हमारे संग मौजूद हैं। भाई सब, क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार मिश्रा, अबू महाराज। अच्छा अबू महाराज, तो क्या है उम्मीद, किसकी सरकार इस बार, क्या लगता है? पुनः ही बीजेपी की सरकार, योगी सरकार और मोदी सरकार बनेगी, भाजपा की। अच्छा, उत्तर प्रदेश में बीजेपी बनेगी? जी जी। ऐसा क्यों? ऐसा बीजेपी वालों ने कार्य किया, जैसे हमारे यहाँ वर्तमान विधायक जवाहरलाल राजपूत जी हैं, जी जी। तो अभी तक इतने विधायक हुए, चाहे राजा रणजीत सिंह जी ने हों, चाहे सपा वाले हों और कोई भी विधायक हो, लेकिन आज तक जो जवाहरलाल राजपूत ने इस क्षेत्र में कार्य किया वो अभी तक कोई विधायक ने नहीं किया है। क्या बैलगाड़ी से सफर? नहीं नहीं नहीं, बैलगाड़ी की सफर वाली बात नहीं है, वो तो एक किसानों के मसीहा हैं, जनता के मसीहा हैं जी। उनने जो बड़वार नहर है 60 गांव के लिए लाभ, उनने इतनी मेहनत करके जा करके जो है इस नहर को भसने तालाब में जुड़वाई पारीछा बांध से जी जी। और ये रोड अभी तक मान लो कोई भी सरकार रही हो, आज तक जाकर के जो है हमारे ग्राम रामपुरा की बच्चियां यहां धरना दे रही थी, लेकिन उनने रोड जाकर के जो है यहां से और मोती कटरा तक और राठ तक जाकर के जो है रोड को तैयार कराया है, जो राठ तक हमीरपुर तक मान लो जोड़ने की उन्होंने वो किया है, ये रोड डर रहा है। गोरसाय वाला रोड है कि गोरसाय जाने में 3 घंटा लगते थे गरोठा से, आज 30 मिनट में जाकर के जो है आप गोरसाय पहुंचेंगे। ये सब विधायक जी जवाहरलाल राजपूत जी ने किया है। ये भैया बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि गरोठा राजपूत जो विधायक जी हैं उन्होंने बहुत कुछ कराया, आप लोग क्या बोलते हैं उस विषय में? नहीं, ऐसा कोई कार्य नहीं किया है ऐसा। आप कौन हैं, क्या नाम है आपका? सत्येंद्र यादव। क्या क्या है ये जो कह रहे हैं, वो कितनी सच्चाई है उस बात? इसमें सच्चाई आप देख सकते हैं, गरोठा का विकास देख सकते हैं। गरोठा में जो सरकारी अस्पताल था वो पहले खंडर था, उस जब सपा सरकार आई तो उसमें सौंदर्यीकरण हुआ, आप देख सकते हैं कि कैसा चमक रहा है। और रही बात सड़कों की, तो सड़क जो मऊरानीपुर सड़क थी जो विधायक जी हमारे पूर्व विधायक हैं दीप नारायण, उन्होंने डलवाई, ये भी सड़कें सपा सरकार में पास हुई थी। एरस से लेके मऊरानीपुर तक ये पूरी सड़क माननीय विधायक जी के द्वारा ही डलवाई। भाई साहब तो बता रहे हैं नहीं नहीं कि ये तो बीजेपी वालों ने, यहाँ ना कोई लाइट की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं थी, माननीय विधायक जी ने ही बछे में पूरा वो प्लांट बनवाया, वहाँ से लाइट जुड़वाई, पूरी व्यवस्था केवल सपा सरकार के द्वारा हुई। और पावर प्लांट जला के लाइट का बनवाया है ये मारकुआ में जाकर के जो है बीजेपी सरकार ने बनवाई माननीय जवाहरलाल राजपूत जी ने। ये तो बोल रहे हैं कि बीजेपी ने कराया। हाँ, बीजेपी ने कराया, आपका क्या मत है? अभी वर्तमान में ये जाकर के रिपोर्ट है कि आपका क्या मत है? हमारा ये मानना है कि दीप नारायण सिंह यादव ने जो पास कराए थे सपा सरकार में, जो पूरे रोड के काज जो पास उसमें हुए थे और कार्य बीजेपी सरकार में, क्योंकि जो सपा सरकार मतलब आप भी मतलब उन्होंने नहीं करवा पाए पास, उन्होंने पास कराने के बाद में कोई आज तक रोड करवाया, आज तक कोई रोड करवाया है अपने निजी खर्चे द्वारा, लेकिन रोका गया प्रशासन के द्वारा, रोका गया। क्या प्रॉब्लम? नहीं, शासन उस समय दो बार विधायक रहे, क्या दो बार विधायकी में जाकर के कोई भी रोड नहीं हो सकता था? पास करवाए तो जाकर के 10 साल के अंतर्गत कोई भी नहीं कराया है, ये तो पास कराना। क्या रामपुरा में अस्पताल सरकारी बनी या मारकुआ में अस्पताल सरकारी बनी? तो सरकार के द्वारा ही बनी, और जो पास जो कार्य करा दे उसको मान किया जाता है कि क्षेत्र में हमारा। तो कह रहे कि पास इनकी सरकार में हुआ, बनवाया आपने? नहीं नहीं नहीं, इनकी सरकार में 10 वर्षों से सरकार थी, अगर पास होता तो उस सरकार में बनना चाहिए था ना, 10 साल का समय बहुत होता है। रोड बता दे, मतलब आप कह रहे झांसी से लेके, पहले आप बात सुनिए, सुनिए, झांसी से लेके चिरगांव से लेके हमीरपुर तक पूरी रोड 2 लाइन जी, इनकी सरकार में पास हुई, पूर्व सरकार में समाजवादी सरकार में पास हुई, लेकिन विगत शिवपाल जी थे उस समय जी, जो इस मंत्रालय से संबंधित थे, पीडब्ल्यूडी से, तो
कुछ ऐसे विषय आए बीच में कि कमीशन का चक्कर आया या कोई भी जो भी अधिकारी, लेकिन इनकी सरकार में 10 साल में मतलब सीधी सी भाषा में आप ये कह रहे हैं कि इनकी सरकार में नहीं बना, वो हमारी सरकार के द्वारा बनाए गए रोड सारे हर जगह गड्ढे ही गड्ढे, हर जगह गड्ढे ही गड्ढे, ये के पीटा यहां कि नहीं गड्ढे अगर माननीय दीप नारायण सिंह यादव के अगर कारणों की कहा जाए तो धमनोड़ में पावर प्लांट देख लीजिए आप जाके, गरौठा में आईटीआई देख लीजिए, नगर गरौठा में अस्पताल देख लीजिए बेड वाला, देख लीजिए मतलब अच्छा या खराब, और अगर नहीं अच्छा या खराब देख लीजिए मतलब क्या अच्छे कार्य किए हमारे माननीय विधायक दीप नारायण सिंह यादव जी ने, और वर्तमान सरकार तो बीजेपी वर्तमान है ना, उनकी क्या स्थिति है, उनकी स्थिति इस बार डब्बा है, वो बैल तो कह रहे डब्बा है, सुनिए एक मिनट वो बैल आप चाचा फिर बोल लीजिए, वो बैलगाड़ी से जाते हैं दिखावा करने के लिए, लेकिन डीजल पेट्रोल हमारी सरकार में जो हमारे विधायक बने हैं जवाहरलाल जी राजपूत, वो वास्तव में एक किसान है और वास्तव में आज भी अपने खेत में पानी लगाते हैं, और उसके अलावा आज जैसे कि यूरिया या खाद की समस्या है, तो जैसे हमारी सोसाइटी में 9 गांव आते हैं गरौटा भदरवारा समिति में, तो आज हमारी सोसाइटी से करीब 40 गांव के लोग ले रहे हैं। अच्छा भाई साहब आपका क्या नाम है? राम कुमार तिवारी। तिवारी जी आपका क्या मत है, क्या है इधर की स्थिति? इधर की स्थिति बीजेपी जो सरकार चल रही है, हम लोगों को बहुत सुकून है, बड़े आराम से रह रहे हैं, कोई गुंडागर्दी नहीं है। अच्छा आप राजपूत जी से खुश हैं? हाँ राजपूत बढ़िया काम कर रहा है किसानों के लिए। कुछ लोग बता भाई देखो जिसका काम नहीं बना हो तो वो कहे हर आदमी का काम तो नहीं हो सकता है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मिस्टर इंद्रपाल सिंह जी, क्या समस्या है? हमारी सरकार से मांग है कि उत्तर प्रदेश में 1,53,000 के लगभग शिक्षा मित्र हैं। सन 1999 में शिक्षा मित्र योजना आई थी, उस समय यही सरकार थी, माननीय जो है कल्याण सिंह जी चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश थे जी। जब वो विद्यालयों में बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में ताले पड़े थे, उस समय सरकार के पास अध्यापक नहीं थे, तब इन्होंने शिक्षा मित्रों को लगाया था। शिक्षा मित्रों ने उस समय अल्प मानदेय में 2,250 रुपये पर मंथली मानदेय में विद्यालय खोले। आज हम लोग उसी में शिक्षा मित्रों में कुछ शिक्षा मित्र ग्रेजुएशन हैं, BTC हैं, कुछ तो उनमें टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाइड हैं जी। और उत्तर प्रदेश सरकार से हम 25 जुलाई 2017 से वर्तमान तक आए दिन मांग पत्र सौंपते हैं, हम सरकार से आशा रखते हैं, हम अपेक्षा रखते हैं, चूँकि सरकार मुखिया होती है हमारी सरकार। एक लाइन में कहा जाए तो समस्या क्या है? हमारी समस्या ये है कि उत्तराखंड में जो BTC टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाइड हैं वो वहाँ असिस्टेंट टीचर हैं, और उत्तर प्रदेश में 25 जुलाई 2017 से आज भी वो शिक्षा में 10,000 पर मंथ मानदेय पे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। किसकी कमी है? उत्तर प्रदेश सरकार की मुझसे बोल दो आप। हाँ हम ये कहेंगे जैसे जैसे भाई साहब ने कहा, भाई साहब का प्रश्न सही था, जैसे सरकार ने कहा कि ये 10,000 रुपये पर मंथली शिक्षा मित्रों को रखे हुए हैं एक बात, लेकिन इनके लिए भी तो TET का टेस्ट था जी। जब तक ये TET का टेस्ट पास नहीं करेंगे भाई, एज ए नंबर जितने नंबर चाहिए होंगे उतने नंबर पास नहीं करेंगे तो सरकार नौकरी। अच्छा ये बताइए कि इस बार क्या लगता है कितनी सीटों पे आएगी उत्तर प्रदेश में सरकार? भाई साहब मैं इनका जवाब दे लेने दो प्लीज। नहीं जवाब दे देना, दरअसल ये मुद्दा आपने उठा दिया, ये मुद्दा पहुंच गया। सवाल जो है कि सवाल जिस क्षेत्र में हम लोग खड़े हैं वो सीटों को लेके हैं, क्षेत्र में सरकार के काम को लेके हैं। आपने कमी गिनाई सरकार की, बात तो सुनिए, आपने सरकार की कमी गिनाई, सरकार की कमी आपकी कैद हो गई कैमरे में, ठीक है। अब हम लोग किस मुद्दे पे बात कर रहे हैं? हम लोग चुनाव पे बात कर रहे हैं, चुनाव और कोई कमी हो वो ही बता दीजिए, हम आपके सवाल को नहीं काट रहे हैं। और इन्होंने ये कहा है कि वो TET नहीं है, हम TET एग्जाम क्वालिफाइड हैं, 2014 टेट क्वालिफाइड हैं, 17 टेट क्वालिफाइड हैं, 2019 टेट क्वालिफाइड हैं, यहाँ तक इनके मंडल अध्यक्ष जी के चाचा भी कृष्ण कुमार गुप्ता जी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाइड हैं। उत्तराखंड में वही योग्यता में एक संविधान है देश में, एक कानून है, उनके भी नंबर नहीं आए। नेताजी हमें अपनी बात रखने दीजिए, सरकार की गलती बात रखने जी को 10 साल हो गए प्लीज बब्लू कहीं गरौटा कौन से सांसद जी को भानु को जी जी कहीं पर तल लगा हुआ पूरे गरौठा में उनका बताओ कोई भाजपा का जवाब देंगे। भानु प्रताप वर्मा जी अभी तक सांसद थे, नहीं जवाब दे रहे ना, भानु प्रताप वर्मा जी सांसद थे, अभी ये सूक्ष्म लघु मध्यम विभाग के माननीय केंद्र के मंत्री बन गए। सांसद जी के पास 400 गांव होते हैं,
ऐसा नहीं है कि हर गांव में डेली आके वो जायजा करेंगे। हमारे विधायक जी को देखिए, महीने में 10 दिन तक गरौठा डेली किसी ना किसी, उनके हिसाब से किसी ना किसी योजना का तो शिलान्यास किया जा सकता है। हाँ किया है ना, ऑक्सीजन प्लांट का किया है माननीय सांसद जी के द्वारा, अस्पताल में पानी का, ये देखिए पानी का जवाब उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड गरौठा आया है पानी की समस्या में 2 करोड़ रुपया स्वीकार किए गए हैं। देखे अभी 31 सुनिए ना अभी 31 दिसंबर तक सुनिए 31 दिसंबर तक कार्य नहीं होगा, हर नगर में पानी नहीं पहुंचेगा। माननीय विधायक जी का कहना है और सांसद जी का कहना है तो चुनाव नहीं लड़ेंगे। चुनाव से पहले क्यों? हमारे माननीय विधायक रुक जाओ भैया भैया, हमें ही खेल लिया आप लोगों ने तो। गर्मा को मत खोइए आप जो कह रहे हैं 20 दिन में पानी आ जाएगा, कितनी तारीख को? 28 हो गई है, 20 दिन में पानी आ जाएगा तो चुनाव नहीं लड़ेंगे, मैं दावा कर रहा हूँ इस चीज का। कौन नहीं लड़ेगा चुनाव? विधायक माननीय विधायक जवाहरलाल, 31 दिसंबर तक तुम्हारे नगर में पानी आएगा। भैया ये दावा कर रहे हैं 31 तारीख तक यदि पानी नहीं आया तो गरौठा खुली चुनौती दे रहे हैं कर दूंगा। अब इतना बड़ा वो कह रहे हैं नहीं आएगा, अरे वो कह तो रहे हैं कि मैं अपनी जायदाद चुनाव आने पर माननीय दीपनाथ सिंह यादव जी द्वारा अपने निजी कार से बोरिंग मशीन आई थी और क्या 300 के पार क्या वो माननीय दीपनाथ सिंह और अखिलेश यादव 400 पार युवाओं की है। देखो फिर वही करते हो, सुनाई नहीं दे रहा भाजपा में भाजपा बहुत अत्याचार है। भाजपा गांव में 3-4 महीने पहले गांव में वो भाजपा के 5 लोग आए थे हमारे घर पे, हमारे मम्मी पापा को भाजपा मारा, हमारे पास फल प्रूफ है, हम थाने में हम FIR लिखवाने आए तो यहाँ पर हम खुल के मुंह पे बोल रहे हैं SIKI सत्यदेव सिंह और जो भारत दीवान जी उन्होंने कहा शपथ ली थी और हम लोग सर थाने में थाने में मुकदमा सर 307 का था लेकिन सर भाजपा के लोगों ने सर जवाहर राजपूत का सर थाने में सर फोन आया तो सर हमारी कोई सर सुनवाई नहीं सी हुई, लेकिन सर जैसे ही सर सपा सरकार आएगी हमारी सर पूरी सर पूरी न्याय मिलेगा सर। सपा सरकार आएगी तो न्याय हमें न्याय मिलेगा। जूते गले थे आपने कहा? हमें जूता कौन सी सरकार में? सभा के शासन में। क्यों? क्योंकि सभा वाले ने मारे थे जूता। सभा वाले भाजपा को ये तो कह रहे सब। अब हम तो कह रहे पानी की समस्या हमारी और डॉक्टर साहब सुनिए 31 दिसंबर तक अपने बुंदेलखंड के लिए सिर्फ मात्र विधायक जी लखनऊ से जो अभी आपको जो रिपोर्ट दी है और अभी गए हैं मात्र 10 मिनट हुए हैं यहाँ से नगर पालिका में, उन्होंने कहा जहां भी ट्यूबवेल सक्सेस हो रुपया कितना भी उन्होंने अपनी निधि से जाकर के जो है रुपया 1 करोड़ रुपया जाकर के जो है स्वीकार कर उठा के लिए किया है। हमें क्या कहना चाहेंगे? मतलब घोषणा सब होता है 31 तारीख तक पानी की इनने का चीलन करो। वो चैलेंज भी कर दिया कि यदि कर रहा हूँ इस चीज का। अच्छा क्या चैलेंज है आपका? मेरा ये चैलेंज है कि 31 तारीख तक पानी
पानी नहीं आएगा तो जो कहो मैं अपनी जायदाद की रजिस्ट्री कर। और बताइए, बहुत अच्छी बात। चलो नदी माफिया खूब डाल रहा है इसका, सपा शासन में थोड़ी ना गिरी, अब कर रही मौजूद में बालू तो बंद है। सबसे ज्यादा खनन गरीब आदमी डाल लेता, 4,500 की डाली है गरीब आदमी। सपा वालों के बालू बंद है, बीजेपी की चालू, ये कह रहे हो? नहीं, पार्टी विशेष की नहीं है। अच्छा, पार्टी की नहीं है, इसकी बालू जो पहले डाल रहे थे अभी भी डाल रहे। कौन डाल रहे? माफिया है, उन पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? क्योंकि भाई पार्टी के हैं, पार्टी की है, क्योंकि पहले बालू महंगी हो गई है, ये प्रॉब्लम है। अरे महंगी नहीं, बहुत महंगी हो गई, पहले चोरी की। अच्छा ये बताइए, ये बताइए देश बेच डाला है इनने? हम सर कितने देश बेच डाला? मोदी जी ने, मोदी जी ने बैंक बेच दिया। क्या नाम, क्या करते हैं? नाम नाम बदल दे, नाम अच्छा हुआ गरोठा नहीं आया, नहीं तो गरोठा का भी नाम बदल लेते। चलिए चलिए, ये थी गरोठा की चुनावी चर्चा, जो काफी गर्म थी, चुनाव से भी ज्यादा गर्म थी। उसके अलावा चलिए अब देखने वाली बात होगी कि अब यहाँ किसकी सरकार आती है, लेकिन यहाँ का चुनाव, ये चुनाव जरूरत से ज्यादा गर्म है क्षेत्र का। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जानवर इतने फैल रहे, इनका कोई इंतजाम नहीं हो रहा। ये प्रधान जी से बोलिए ना, आपके गौशाला में जाएंगे वो। कहाँ है? गौशाला में नहीं बल रहे। गौशाला नहीं है आपके गांव में? गांव में है तो 20 ढोर में आए भी। तो आप प्रधान जी से बोलिए ना, प्रधान यहाँ चेयरमैन ही है, सरकार इतना पैसा खर्च कर रही, जिसकी हम गाय बता रहे उसकी रिपोर्ट क्यों नहीं कर रही? तो आप बोलते नहीं है, शिकायत नहीं करते? सब फिर रही गैया, कोई कह गौशाला खाली पड़ी, गौशाला गौशाला पड़ी है, नगर पंचायत अध्यक्ष जी को गौशाला मंडी में खुली है, और मंडी में कोई व्यवस्था नहीं है गौ की, कोई ना कोई बीजेपी पीले के लिए पानी। बीजेपी वाले तो बीजेपी वाले बोलते हैं तो गौ की तो ज्यादा सेवा मानते हैं, कोई सेवा नहीं है खाने के लिए। चलिए चलिए चलिए, चुनावी ज्यादा गर्म हो रहा है, हम अपनी चर्चा को इधर ही खत्म करते हैं। तो जैसा कि इस एपिसोड में आपने देखा कि क्या कुछ जनता का मूड है, जहां एक तरफ जनता सरकार के कामकाज से खुश दिखाई दी है, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस बार बदलाव चाहते हैं। जनता ने अपने मूड को साफ कर दिया है, लेकिन ऐसे में आगामी चुनाव पर इसका क्या कुछ प्रभाव देखने को मिलेगा, किसके हाथ इस बार सत्ता आने वाली है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।